किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका इस संसार में कोई नहीं था। उसने जीवन के सभी रिश्तों को खो दिया था और अकेलेपन में अपना समय बिताने पर मजबूर हो गई थी। दिन बीतते जा रहे थे और उसकी जिंदगी में एक रास्ता और नीरस्ता घर कर गई थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए। वे भगवान के परम भक्त थे और उनका चेहरा दिव्य आभा से दमक रहा था। साधु महाराज ने गांव में प्रवेश करते ही वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का अनुभव किया। बूढ़ी माई ने भक्ति भाव और प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। उसने साधु महाराज को अपने घर पर बुलाया और उनके लिए भोजन बनाया। साधु महाराज ने माई के प्रेम और सेवा को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब साधु महाराज जाने लगे तो बूढ़ी माई ने उनसे निवेदन किया, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मेरा अकेलापन दूर करने का उपाय बताएं। मैं इस अकेलेपन से बहुत परेशान हूं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल जी की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई, यह लो, यह आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई आनंद से झूम उठी। वह बड़े लाड़ प्यार से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। कान्हा जी के आने से माई का सारा अकेलापन दूर हो गया था। उसका पूरा दिन कान्हा जी की सेवा में बीतने लगा। माई अपने लाल के लिए कपड़े बनाती, उसे नहलाती और उसके साथ खेलती। गांव के लोग भी माई की इस नई खुशी को देखकर खुश होते थे। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही है। नटखट बच्चों ने माई का उपहास उड़ाया और बोले, माई, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िये से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रातें लगातार बगैर पलकें झपकाए अपने बाल गोपाल की भेड़िये से रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माई का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब उन्हें माई का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई। भगवान जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान जी की आहट पाकर माई डर गई। उसे लगा कि दुष्ट भेड़िया उसके लाल को उठाने आ गया है। माई ने लाठी उठाई और भेड़िये को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान जी ने कहा, माई, मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। मेरे लाल के समान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान जी माई का यह भाव और एकनिष्ठता देखकर और अधिक प्रसन्न हो गए। भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, मेरी भोली माई, मैं श्री कृष्ण हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे जो चाहे वर मांग लो। यह सुनकर माई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं आपको 100-100 प्रणाम करती हूँ, आप मेरे प्रिय लाल की भेड़िये से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, चलिए माई, मैं आपको और आपके लाल को अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िये का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने माई की भक्ति और प्रेम से प्रेरणा ली। उन्होंने समझ लिया कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को सच्चे मन से प्रेम करना। बूढ़ी माई का प्रेम और भक्ति गांव के लिए एक मिसाल बन गए। गांव के लोग अब अपने जीवन में भगवान के प्रति निष्काम प्रेम और भक्ति को अपनाने लगे। गांव में एक नया बदलाव आया। लोगों ने यह समझा कि निष्काम प्रेम और सेवा से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने मिलजुल कर गांव के विकास के लिए कार्य करना शुरू किया। एक नए विद्यालय का निर्माण हुआ जहां बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया जहां गांव के लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान पा सकते थे। गांव में भक्ति और सेवा का माहौल बन गया। सभी लोग भगवान के प्रति सच्चे मन से प्रेम करने लगे और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कार्य करने लगे। गांव का माहौल शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया। बूढ़ी माई की भक्ति की गाथा गांव में हर किसी की जुबान पर थी और सभी लोग उससे प्रेरणा लेते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को सच्चे मन से प्रेम करना। बूढ़ी माई ने अपने लाल के प्रति जो निष्काम प्रेम दिखाया उसने भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही अच्छी लगती है। भगवान से बूढ़ी माई जैसा सच्चा प्रेम करने से साक्षात भगवान मिल जाते हैं। इस तरह बूढ़ी माई और जादुई मूर्ति की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है।